यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे बेटा, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शहर कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर में विश्वास ले से जाने का नाम नहीं ले रहा।
ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा? किया सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़िया नरक होगी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो बिल्कुल डर का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुँचाना ही ज्यादा अच्छा है, क्यों ना महाराज का संदेश पहुँचा दे। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में। आज भी हीराधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहनते, स्वामी स्वामी पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा।
मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। मगर